दोस्तों नमस्कार, ऑप्टिमम वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अदालत में जज हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दोस्तों आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में यह ज़रूर देखा होगा कि कोर्ट रूम में लोग बातें करने लगते हैं और जज साहब एक लकड़ी की हथौड़े को पीटते हुए ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह ऐसा क्यों करते हैं? इस हथौड़े को तकनीकी भाषा में गेवेल कहा जाता है। गेवेल का उपयोग भारत में ब्रिटिश काल से होता था, पर अब शायद ही कोई कोर्ट इसका इस्तेमाल करती है। गेवेल की उत्पत्ति मध्यकालीन इंग्लैंड में हुई थी। तब तक वहाँ हमेशा अदालतों में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद होता था। पूरा कोर्टरूम मछली बाजार के में बदल जाता था। कोर्टरूम को शांत और व्यवस्थित करने के लिए जज लकड़ी की मेज को पीटते थे। धीरे धीरे इसका स्थान एक लकड़ी की हथौड़ी ने ले लिया। गेवेल का अभी भारतीय अदालतों में न के बराबर उपयोग होता है, पर विदेशों की अदालतों में गेवेल का उपयोग अभी भी होता है। गेवेल अदालत में न्यायिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अपने नीलामी घरों में देखा होगा कि नीलामी की आखिरी बोली पर हथौड़े से बोली को अंतिम करार दिया जाता है। यहाँ भी हथौड़ा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रोज़मर्रा के जीवन में भी हथौड़े चीज़ों को व्यवस्थित करने के काम आता है। गलत का विनाश करता है और सही का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।